साथियों, नए भारत में थकने रुकने का सवाल ही पैदा नहीं है। नई सरकार को बने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ 75 दिन हुए हैं, 100 दिन होना बाकी है। और ये दिन तो किस चीज के लिए होते हैं? सरकार बनने के बाद स्वागत सम्मान होते, फूल मालाएं होती हैं, जय जयकार चलता है। हम उस चक्कर में नहीं पड़े। सिर्फ 75 दिन ही पूरे हुए हैं, लेकिन स्पष्ट नीति और सही दिशा के मंत्र से प्रेरित होकर एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। नई सरकार बनते ही जल शक्ति के लिए एक नए मंत्रालय को बनाया गया, जो पानी से संबंधित सारे विषयों को होलिस्टिकली देखेगा। गरीब किसानों और व्यापारियों को पेंशन की सुविधा मिले, इसका भी फैसला लिया गया। ट्रिपल तलाक, एक अमानवीय कृति, नारी का सम्मान और उसके जीवन भर ट्रिपल तलाक की तलवार लटकती रहे, हमने इसे खत्म कर दिया दोस्त। कोई माने या न माने, कोई लिखे या न लिखे, कोई बोले या न बोले, कोई बोल पाए या न बोल पाए, लेकिन इन करोड़ों बेटियों के आशीर्वाद आने वाली सदियों तक भारत का भला करने वाले। मुस्लिम बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय नया हिंदुस्तान कैसे स्वीकार कर सकता है? इसी तरह चाइल्ड प्रोटेक्शन और हेल्थ के क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। आज इस बात की भी बहुत चर्चा है। इस बार हमारी संसद का सत्र पिछले 6 दशक से भी ज्यादा प्रोडक्टिव रहा है, यानी पिछले 60 साल में जितने भी पार्लियामेंट के सत्र हुए उसमें जितना काम होता था एक एक सत्र में, उससे ज्यादा काम इस बार हुआ है। ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? नहीं नहीं क्यों हुआ? अरे मोदी है तो मुमकिन है, इसलिए नहीं हुआ है। ये इसलिए हुआ कि देश की जनता ने थप्पा लगाया। ये 125 करोड़ देशवासियों की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत है, और उसका दबाव होता है जो देश हित के काम करने के लिए हर किसी को प्रेरित भी करता है, मजबूर भी करता है।
आप सभी जानते हैं कि 7 सितंबर को हम सभी का चंद्रयान चांद पर उतरने वाला है। इस उपलब्धि के बाद चांद पर उतरने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा।